हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रूबीना कुकिंग एंड ब्लॉग। तो आज मैं लेके आई हूँ मटका आइसक्रीम का रेसिपी। तो किस तरीके से बनाते हैं, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें जाएंगे ये मैंने गार्निशिंग के लिए बादाम कट करके रख लिए, और ये बारीक मैं कूट ली हूँ थोड़ा सा, और ये ब्रेड के स्लाइस है, इसे मैं तोड़ लूँगी छोटे छोटे। आप चाहे तो मिक्सी जार में थोड़ा सा इसे पीस सकते हैं। और किशमिश ली हूँ, किशमिश भी मैं कट करके रख ली हूँ। और ये 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है, और ये है 3 चम्मच शक्कर, और यहाँ मैं ली हूँ ये मटका, तो ये मिट्टी का है, और ये प्लास्टिक वाला जो आता है वो है। तो यहाँ मैं पैन रख दी हूँ, उसमें डालूंगी मैं 2 गिलास दूध। तो दूध को अच्छे तरीके से गरम करेंगे एक उबाल आने तक, और इसी में से मैं 3 चम्मच दूध निकालूंगी कस्टर्ड पाउडर में डाल के, उसका एक घोल बना लूंगी। तो देखिए, इसी तरीके से मैं घोल बना रही हूँ। तो देखिए, कितने कम सामान में कितना टेस्टी आइसक्रीम बनके तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से आप लोग भी बनाइए। तो दूध में उबाल आ चुका है, और इसमें डालूंगी अभी मैं कस्टर्ड पाउडर और शुगर। तो अच्छे से इसे मिक्स करके, और इसमें डालूंगी अभी कस्टर्ड पाउडर का घोल। एक हाथ से डालते जाएंगे, दूसरे हाथ से चलाते जाएंगे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मिक्स हो चुका है, इसमें मैं ये डाल रही हूँ ब्रेड के स्लाइस और बादाम कटे हुए। किशमिश में अभी नहीं डालूंगी, अच्छे से ठंडे होने के बाद ही डालूंगी। तो ये भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और इसे रख दूंगी साइड में अभी मैं, कि ठंडा हो जाए ये। तो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है ये। इसी तरीके से आप लोग भी बनाएं। तो ठंडा हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर दी हूँ ये किशमिश, और अभी मैं इसे मटके में रखूंगी। तो देखिए, इसी तरीके से मैं बनाई हूँ, आप लोग भी बनाएं। और ऊपर से मैं गार्निशिंग के लिए इसमें किशमिश और कटे हुए बादाम डाल दूंगी, और इसे ओवरनाइट रखूंगी मैं फ्रीज़र में, कि अच्छे से ये आइसक्रीम बनके तैयार हो जाए।